भिवंडी के मानसरोवर क्षेत्र में रास गरबा का आयोजन। आपको बता दें कि भिवंडी शहर मानसरोवर मित्र मंडल, कपिल पाटिल फाउंडेशन, नाइक फाउंडेशन द्वारा रास गरबा का आयोजन किया गया। इस गरबा के कार्यक्रम में 9 दिन तक डांस और वेशभूषा की प्रतियोगिता का भी आयोजन रखा गया है। 7 उपहार देकर सम्मानित किया जाता है। बड़े भक्ति भाव से गरबा और देवी पूजा करते हैं। मानसरोवर के रहवासी बाजवा के पूर्व राज्य पंचायत राज्य मंत्री कपिल पाटिल सभी को नवरात्रि और दशहरा की शुभकामनाएं दी। आइए देखते हैं एसटीएस टाइम की रिपोर्ट। नवरात्र के 9 दिनों में पावन पर्व में देश में नवरात्र के पर्व मनाया गया। पिछले कई सालों से आप पिछले कितने सालों से मानसरोवर मित्र मंडल, कपिल पाटिल फाउंडेशन एंड नाइक फाउंडेशन, ये जो 9 दिन का नवरात्रि का जो कार्यक्रम मानसरोवर में जो रहता है, तो ये लगभग 26 सालों से हमारी परंपरा चलते आ रहे और सभी मानसरोवर वासी है ये जो प्रोग्राम धूमधाम से मनाते। खास करके मानसरोवर मित्र मंडल और कपिल पाटिल फाउंडेशन नाइक फाउंडेशन, पहले ये जो मानसरोवर मित्र मंडल ही चला रहे थे 26 साल से कार्यक्रम, अभी हम लोग हुए तो 15 साल से जुड़े हुए और इस मानसरोवर मित्र मंडल को हम लोग खुश करते हैं। मतलब कहीं कहीं ना कहीं आगे लाने की और लोगों को सुविधा देने की हर एक चीज उनको उनके मतलब यहाँ से उनको बाहर जाना नहीं पड़ेगा नवरात्रि के 9 दिनों के लिए, इसीलिए ये पूरा अरेंजमेंट हम लोग कपिल पाटिल फाउंडेशन और नाइक फाउंडेशन मानसरोवर मित्र मंडल से जुड़े हुए और हर साल ये कार्यक्रम धूमधाम से होता है। 9 दिन में जनता ने आपको क्या प्रतिसाद दिया और किसका किसका सहयोग मिला आपको? देखो अभी यहाँ खास करके हमारे मानसरोवर वासी के लिए, और आप पत्रकार है पूरे भिवंडी का जायजा लेते है तो आपको भी मालूम होगा, हम लोग को बताने की जरूरत नहीं। वैसे कपिल पाटिल साहब केंद्रीय मंत्री पंचायत राज, उनने तो बताया कि मानसरोवर का जो नवरात्रि है वो तो भिवंडी में ऐसा किधर भी एक कार्यक्रम 9 दिन का नहीं है, और आप भी हर जगह जाते हैं आप लोगों को मालूम होता होगा, और ये उसके पीछे कपिल पाटिल फाउंडेशन, नाइक फाउंडेशन और मानसरोवर मित्र मंडल के सभी कार्यकर्ते एक महीने से इस काम में जुटे हुए लगते। अभी ये हम लोग ने जो पिच बनाई डांडे खेलने के लिए मानसरोवर रहवासी के लिए, तो इसके नीचे जो है इसके नीचे सेफ्टी टैंक है, एक जगह जो है ना एकदम जो हम प्लेटफॉर्म बना है वो जगह नहीं, वो सेफ्टी टैंक है, उसके ऊपर हम लोग टेबल लगाए 1.5 फुट का टेबल लगाए लकड़ी और पूरा मैदान एक सरी का बनाया, और एक महीना पहले से सेफ्टी टैंक हम लोग तो जो गाड़ी मंगा के नगर पाले उससे साफ वाफ करा के हर एक चीज करा के ये सब बनाते, फिर उसके ऊपर कारपेट वगैरह डाल के ये सब करते, इसके लिए एक महीना लगता है। और उसके लिए मानसरोवर मित्र मंडल के जो कार्यकर्ते है मंडल के, उसका उनका ज्यादा योगदान है उसके अंदर। आज खास करके स्पेशल 9 दिन में जो हर एक छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन का प्राइस थे वो लोग हम देते आए थे, लेकिन आज बम्पर प्राइस थे उसके अंदर वॉशिंग मशीन थी, मिक्सर ग्राइंडर थे और टीवी जो है टेलीविजन ये भी था इसके अंदर, तो वो खास लोगों का गिफ्ट था। और हमारे जो भाई है ये 9 दिन में कई हम लोग ने सिल्वर गोल्ड वो भी उनको लोगों को हम लोग ने देवी की मूर्तियां दी है जो अच्छे डांडिया खेलते हैं उनके लिए। मानसरोवर मित्र मंडल, कपिल पाटिल फाउंडेशन और नाइक फाउंडेशन के माध्यम से आयोजित मराठी का हिंदी नवरात्रि उत्सव में मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर, उपस्थित भाई और बहनों, मुझे मालूम है आपके और गरबा के बीच ज्यादा देर मैं नहीं रुकूंगा, आप लोग मुझे सुनने नहीं आए हो, लेकिन एक बात जरूर मैं कहूंगा, आप लोगों का जो जोश जो उत्साह मैंने देखा है तो मुझे कहना पड़ रहा है कि भिवंडी का एक नंबर गरबा मानसरोवर का। यहां मैं देख रहा था कुछ नया ही स्टाइल है, वो गरबा है क्या है कुछ मेरे तो समझ में नहीं आया,
मैंने पहली बार देखा है। हमारे सारे युवा साथी इतनी अच्छी तरह से देवी माँ के चरणों में लीन होकर गरबा डांस कर रहे हैं, इसका मतलब देवी माँ से आप लोगों को आशीर्वाद मांगने की जरूरत है नहीं, देवी माँ आपको जरूर आशीर्वाद देगी। आप सभी के घर में सुख शांति समृद्धि देवी माँ के आशीर्वाद से जरूर आएगी, ये मुझे विश्वास है। फिर से एक बार आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, दशहरे के भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आप डांस करें, मैं भाषण समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र, बोलो दुर्गा माता की, बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राम, बोलो जय श्री राम। हो गया काम, धन्यवाद।